तो आज हम फर्स्ट टाइम इस तरफ आए हैं नाज़रीन, तो इसका अपने ममता ने बहुत इंजॉय किया, मुझे तो चक्कर आए इसके ऊपर जो है ना, क्योंकि ये हिलती ज़्यादा थी बिल्कुल, ये अच्छा खासा हिल रही है जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हुआ क्रॉस करने में नाज़रीन। तो ये हमने एरिया ये क्रॉस किया अभी हमने सारा ये ब्रिज ये क्रॉस करके जो पीछे ब्रिज नज़र आ रहा है, तो हम इस साइड आ गए हैं। बोले बोले चलो जी चलो, अरे खता खिला बहनी, खोए शक्त से चेहरा लेना बहनी, खोए टोपी उतारो। बता भी दो ना यार, ये सस्पेंशन ब्रिज है कह के। यस ये जो है ना ये थोल का एरिया है फ्रेंड्स, तो ये इससे जो ब्रिज है ये सस्पेंशन ब्रिज है, तो यहाँ से हम गुजर रहे हैं यार, ये क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज को। जी नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, ये गर्मियों में जो है यहाँ से फ्लड गुजरता है, और ये खाई है फ्लड की खाई है ये सारी। जी नाज़रीन ये अंदर से यहाँ नाला है, और ये हरपुस नासिराबाद का ये साइड हरपुस एरिया है ये वाला, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से आपके सामने केटल गुजरे हैं, और कुछ केटल यहाँ भी है, ठीक है इस वक्त। और ये ब्रिज के ऊपर से हम बैठ के जो है ना वो कर रहे हैं, ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज है जिस पे आपकी भाभी इस टाइम विराजमान है। हाँ जी क्या बात है, डांस कर रहे हो? हैं डांसिंग ब्रिज है ना ये, हैं डांसिंग ब्रिज है। हाँ, अच्छा सर ये डांसिंग ब्रिज है, तो ये हाँ जी आपको यहाँ से हम पहाड़ का व्यू दे देते हैं, ठीक है। और आप ये आप देख सकते हैं कि कार में जो है ना पसंदीदा हैं क्या चीज़। जी नाज़रीन मुसलसल हम ये हाइट पर चलने की वजह से प्यास लगी, तो यहाँ पर ये बर्फ़ है, स्नोफॉल के बाद जो है जमी हुई है बर्फ़ है, तो मैं और आपकी भाभी यहाँ खाने के लिए जो है ना बैठे हैं, प्यास भी लगी थी, पानी भी नहीं था। ये बर्फ़ जो होती है बर्फ़बारी के बाद ये सख्त होके, और ये इसकी तासीर ये है कि कहते हैं कि जो है ना ये खाने से गले के लिए बेहतर है, ख़राब गला सही हो जाता है इससे, और हाजमे के लिए भी अच्छा है। अगर कोई बैक्टीरिया या ऐसी कोई चीज़ जो जो मैदे को ख़राब करे, उस तरह के कोई जरासीम अंदर हो, तो उसके लिए भी अच्छा है कि ये उनको भी किल करता है, तो इसलिए इसका जो है खाने के लिए भी कहा जाता है। बहरहाल हम तो प्यास लगी है इसलिए खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये गेंद बना के हम खा रहे हैं नाज़रीन। तुमने खाया? हाँ। ये लो ये आपकी भाभी भी लगी हुई है खाने के लिए। जी व्यूअर्स इस टाइम हम एक अच्छे खासे हाइट पे पहुंच गए हैं, और ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ मैंने देखा तो ये बेरी के दरख्त हैं, ये जो पीछे मेरे बैक साइड में नज़र आ रहे हैं, ये बड़े बड़े दरख्त हैं, बेरी के दरख्त हैं, तो ये भी एक फ्रूट है, और सर्दियों में ये जो है पक जाता है, गर्मियों में सारी गर्मियाँ ये जो है अपनी प्रोडक्शन में रहता है, और ये खाने के लायक जाके सर्दियों में। जी अभी नहीं खाना, भूख है बर्फ़ है। तो इस टाइम हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं नाज़रीन, तो प्यास लगी है, हमसे गलती ये हो गई, हमने कोई पानी छाने के बंदोबस्त नहीं किया है, मैं गर्म पानी में पीता हूँ, और पानी का जो मामला तभी किए बगैर आ गए हैं, तो आपकी भाभी भी जो है ना भूल जाती है मेरे पानी के बोतल होता है जो इसके अंदर पानी थर्मोस की तरह गर्म रहता है,
वो इस्तेमाल करता हूँ। अभी बे हालात मजबूरी मैंने अभी बर्फ़ खाया, ठंडा पानी पिया है। ये डांसिंग है ना, ये हिल रही है ज़्यादा।